हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। हम लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रिप करने जा रहे हैं, यूरोप ट्रिप। अभी हम यहाँ हैदराबाद से दिल्ली की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और दिल्ली से हमारी है ओमान एयर की फ़्लाइट जो वाया मस्कट है। सो लेट्स गो। ये कहानी यहाँ शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3.5 साल पहले, दिसंबर 2019 में। हमारा एक सपना था यूरोप देखने का, लेकिन यूरोप देखना इतना आसान कहाँ है। इसलिए हमने बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी रिसर्च करके पूरा यूरोप ट्रिप प्लान बनाया। सक्सेसफुली फेब 2020 में इटली का वीजा लिया और अप्रैल 2020 में ट्रेवल करने की सारी तैयारी कर ली। लेकिन तभी आता है कोविड। Crisis is already in full swing. The most active hotspot right now is Italy. Airports have been empty for several days. पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। और तब हमारे पास सिर्फ हमारे टूटे हुए सपने बसते हैं। उसके बाद के 3 सालों में यूरोप घूमने के बारे में हमने ऑलमोस्ट सोचना छोड़ दिया, बट ओनली ऑलमोस्ट। एक ट्रैवलर अपने दिल की आवाज़ को कब तक दबा सकता है। तो मई 2023 में हमने फिर से एक बार अपने दिल की आवाज़ सुनी। इस बार हिम्मत ज़्यादा और मेहनत कम चाहिए थी, क्योंकि पिछली बार की रिसर्च काफ़ी काम आई। फिर से इस बार सक्सेसफुली फ्रांस का वीज़ा लिया और वीज़ा आते ही सबसे पास की डेट्स की फ़्लाइट बुक कर ली। तो ये था बैकग्राउंड। अब उस सपने को चल के जीते हैं, फ़्लाइट बुक करते हैं। वेलकम टू ओमान। बहुत ही छोटा सा लेवर है, सिर्फ 2 घंटे का, और यहाँ से फिर हमारी पैरिस की फ्लाइट है। देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या है ऐसा। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। एंड ये फर्स्ट ईयर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। एंड लेट्स सी हमारा ये वाला एयरक्राफ्ट जो मस्कट से पेरिस है वो कैसा है। जी हम आ गए हैं पेरिस में। सो हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और पासपोर्ट पे स्टाम्प लग चुका है फ्रांस का, पेरिस का। तो हम अपना बैग लेके बाहर आ गए हैं और अभी हमने इन्फॉर्मेशन ली कि यहाँ से जाना है टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3, और टर्मिनल 3 से फिर हमें पकड़नी है अपनी स्टेशन गार्डनॉट के लिए आर या मेट्रो जो भी मिलेगी। एंड ओवरऑल इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रहा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, जस्ट वेलकम टू दी पेरिस। और इस समय आरईआर और मेट्रो एयरपोर्ट से पेरिस के लिए बंद है, तो यहाँ से एयरपोर्ट शटल लेनी पड़ रही है और उसके लिए भीड़ देखिए आप। गुड मॉर्निंग। सो रात में काफ़ी लेट हो गया था और हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 बजे 12 बजे आके चेक इन किया और हम रूम में आते फिर खाना पीना खाते खाते 2-3 बज गए थे। सो अभी हम उठे हैं और पेरिस में हमने लिया है हॉस्टल बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। इसके प्रोज एंड कोज दोनों हैं। प्रोज ये है कि वन थिंग यू विल फाइंड इट चीपर देन होटल्स, सेकेंड थिंग यू विल मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो कल जैसे ही हम चेक इन कर रहे थे, 1 पर्सन केम एंड अप फ्रंट आके उन्होंने बात की, आई एम एन अमेरिकन, दिस फर्स्ट टाइम आई पेरिस, यूर इंडियन, सो रियली ग्रेट, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, समथिंग समथिंग। तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप अराउंड द ग्लोब लोगों से मिल सकते हो। सो कल यहाँ रात में 2 लोग, एक कपल थे एक और यहाँ कोई नहीं था शायद, और ये वाला डॉम दोनों हम लोग के थे। एंड राइट नाउ हम लेट हो गए हैं और सब लोग जा चुके हैं रूम खाली। yes. बट रूम की ब्यूटी जो कि इस विंडो से दिखती है या वो है आईफिल टावर, दैट इज आईफिल टावर, एंड पूल सिटी इज विजिबल। यस, ब्यूटीफुल पेरिस सिटी।
नाउ वील स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. यस, जल्दी से बाहर का और दिखा दे. या एंड बाहर से कुछ ऐसा है. ओके, सो दीज आर ऑल द रूम्स. और इनके पास हॉस्टल में 6 डोम, 12 बेड, 8 बेड, 10 बेड सारे रूम्स हैं. और अभी अभी हमारा रूम लॉक हो गया है. सो हम नीचे जाएंगे. आई थिंक हम नहीं लिए हैं की. इट्स ओके, सो दैट्स द केस. अगर आप अंदर भूल जाते हो, हम शॉट लेने आए और भूल गए. चलिए जल्दी जल्दी भागो. यस, आई वाज सेइंग इनके पास रूम्स भी हैं, जिसमें आपको मतलब रूम्स विद शेयर्ड बाथरूम एंड रूम विद अटैच्ड बाथरूम वो भी है. दिस इज क्रिस्टोफर इन हॉस्टल गार्डन ऑर्ड. यस, बाहर से चल के बाहर का भी दिखाते हैं. या गार्डनॉट स्टेशन के पास में एक स्ट्रीट जिसको बोलते हैं लिटिल इंडिया, जहां आपको डोसा, पराठा और समोसा से लेकर इंडियन ड्रेसेस और ज्वेलरी तक सब मिल जाएगा. तो बस वहीं से हमने टेस्टी इंडियन ब्रेकफास्ट किया और अपने दिन की शुरुआत की. उसी स्ट्रीट से हमने लाइका मोबाइल की सिम ली, जिसमें 15 यूरो में 35 GB डेटा एंड 100 मिनट्स टॉक टाइम विद इन यूरोप विद 1 month वैलिडिटी मिला. सिम में नेट चलाते ही हमने अपनी डेस्टिनेशन मैप पे डाली और चल पड़े पेरिस की फेमस प्लेसेस और मोन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करने. एक टिकट 90 मिनट तक वैलिड रहेगा पहला पंच करने के बाद. यस, सो यू कैन यूज इट. आप एक साथ 8 टिकट भी ले सकते हो, जो आपको एक दिन या दो दिन भी यूज कर सकते हो. तो अभी हमने 4 लिए हैं. हम आज का एक्सपीरियंस देखते हैं, फिर कल देखते हैं. लेट्स गो. फाइनली आप देख रहे हैं पीछे आर्कडे ट्राइम. तो अभी हमारा घूमना, फोटोशूट, पिक्चर सब कुछ हो चुका है. एंड हम अपने हॉस्टल से जब निकले, हमने जो फर्स्ट मेट्रो ली थी, तब से अभी तक में 1.5 घंटा हुआ है. तो 1.5 घंटे में हमने वहां से यहां तक आ गए, जो काफी घूम घाम के दूर दाड़ के आए. और फिर देखना, फोटोशूट सब हो गया. सो इट्स अ प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट इज रिक्वायर्ड. और यहां लोग ऊपर भी जा सकते हैं. सो आपको ऊपर से सिटी व्यू मिलता है. तो फिलहाल हम शहर ऐसे ऐसे घूमे देखेंगे. एंड लेट्स गो टू दिस स्ट्रीट, वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, द कॉस्टलीस्ट ऑल्सो. फिर कुछ इस तरह के शो एंजॉय करते हुए आगे बढ़े. तो ये है सैंट चैपल चर्च की एंट्री. और भीड़ देखिए आप, और ये पूरी लाइन लगी है, और ये 2-3 लाइन लगी हैं अंदर जाने के लिए. सो अभी हम स्किप कर रहे हैं लाइन और हम जाते हैं कहीं और, कुछ खाते पीते हैं और फिर कहीं और जाएंगे. ये है आपके सामने द फेमस नॉर्थडेम कैथेड्रल, जो 2017 में जल गई थी, जिसका रिनोवेशन चल रहा है. और इसके ठीक सामने आप 25 यूरो में अपना कुछ इस तरह का कैरिकेचर बनवा सकते हैं. सो 2017 में आप देखो, ये चर्च था, ये बीच में एक टावर है. एंड देन 2022 में जब जल चुकी, तब यहाँ से टावर गायब हो चुका है और रिस्टोरेशन का काम चल रहा है. एंड अब चलते हैं सामने की तरफ. ये
ओके, सो इस खूबसूरत सी धुन को सुनने के बाद चलते हैं लैटिन क्वार्टर। यहाँ पे ना आई थिंक नाम लिखे हुए लोगों के, जैसे इंग्लिश मूवीज में देखते ना कि यू रिंग द बेल देन दैट पर्सन विल स्पीक फ्रॉम हियर एंड दिस द कैमरा मे बी, सो दिस इज द थिंग एक्चुअल रियलिटी में जो मूवीज में देखते हैं। एंड अनदर थिंग लैटिन क्वार्टर के बारे में स्पेशली, पहले ना जो शॉप्स हुआ करती थी बंद हुआ करती थी, लाइक गेट खोल के यू एंटर इन टू द शॉप, तो यहाँ से ही पहली बार ये स्टार्ट हुआ था कि दे विल हैव अ विंडो एंड विंडो में दे विल शो द आइटम्स, ओके, ताकि आप बाहर से आइटम्स को देख के फिर अंदर आए। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ये छोटा सा विंडो एंड मेन विंडो वाला पिक्चर तो यहाँ समझ में आएगा। जरा आगे ये गेट है, बहुत ही पुराना सा है एंड विंडो देखो छोटी सी, एंड दैट विंडो आपको दिखा रही है कि दुकान में अंदर क्या क्या है एंड प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। हाँ, ये यहाँ यूरोप में हर जगह पेरिस में है, लाइक आपको उनको बार बार आपको बताना नहीं है, हर जगह उन्हें प्राइस लिख के रखे हैं, आपको ठीक लगे तो आ जाओ ले जाओ। तो हम आ गए हैं एक चर्च के सामने जिसके बारे में हमने पहले सर्च नहीं किया था, जो है ला चैपल सेंट सेवरिन, एंड लेट्स गो इनसाइड एंड सी। पेरिस की सबसे पुरानी चर्चेज में से एक ये गॉथिक स्टाइल चर्च, जिसे चर्च ऑफ सेंट सेवरिन के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसे 9th और 15th सेंचुरी में फिर से बनाया गया था। वाओ, ओके, सो फिर वहां से निकल हम चल पड़े पेरिस के खूबसूरत लग्जमबर्ग गार्डन की ओर। अब बारी है पेरिस ट्रिप के शो स्टॉपर आईफिल टावर जी के दर्शन करने की, तो पकड़ते हैं बस नंबर 82 और पहुंचते हैं वहां शाम का नजारा देखने। वो लुक हूज हियर, ओह माय गॉड, मुझे टाइम लैप्स याद आ गए जिसमें ऊपर क्लाउड उड़ते हैं। हेलो, हे, उसकी ब्यूटी जो है एकदम बेस्ट 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। दिस वाज आवर डे, आवर डे वन इन पेरिस। आज का दिन कैसा लगा आप बताइए, आपको बहुत मजा आया, बहुत सारी जगह घूमे और फाइनली आईफिल टावर में लाइट ब्लिंक और लाइट जलते हुए देख के मजा आ गया। इतने साल से जो वेट कर रहे थे पेरिस देखने का, आईफिल टावर देखने का, हम लोग बात कर रहे थे कि ये ट्रिप है लगभग 16-17 दिन का, बट पूरा बिल इस आईफिल टावर के नाम पे बटा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, कल हम एक नई जगह घूमेंगे, कुछ और नया देखेंगे और मे बी फिर से आईफिल टावर भी एक बार आएंगे। सो आज का दिन यही खत्म करते हैं, आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।